तो देखो, जब मैंने इतना लिखा, एक डिप बनाया, एक डिप के अंदर एक H1 टैग में लिख दिया मैंने क्या, हेलो, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एक डिप बनाया लोगो नाम का, जिसमें आपको लोगो रखना होगा ना, और ये बंद कर दिया। इसके अंदर मैं लोगो रख लूंगा, H1 में लोगो रखना होगा मुझे, जहां रखना होगा जिस जगह मैं रख लूंगा। और इसके अंदर मैंने दो इमेज रखनी है, तो मैं दोनों इमेज रख लूंगा। तो सबसे पहले मैंने डिप बनाया या नेब बार। नेब क्यों बनाया, ये फुल के लिए। ये अब इसके अंदर मुझे दो चीजें, छह चीजें लगानी थी। तुमने कहा सेंटर पे एक चीज लगाना है, इस साइड में दो इमेज लगाना है। तो मैंने क्या किया, एक लोगो नाम का डिप बना लिया, किसके अंदर, नेब के अंदर, और एक डिप बना लिया राइट नाम का, क्योंकि राइट साइड में दो इमेजें पहुंचानी है, ये लगा लिया। तो बता, ये तरीका सही है जो तुमने किया, वो तरीका सही लग रहा है समझने में, है ना। तो इसी हमेशा डिव का ही यूज करना है। अब देखो कोड पूरा देखा, ये नेम बार वाला सारा काम इसके अंदर चल रहा है। अब मैं अगर नीचे कुछ और काम करूंगा तो वो उसके अंदर चलेगा। तो अब देखो, पहले तो पॉइंट सब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबको दिख रहा हो गैपिंग दिख रहा है। अब आप लोग भी नोट करो, इतना कोड आप लोग नोट करो तो आप सबके गैप आएगा। सब एक बना लो फाइल नेब के नाम से, नेब डॉट एस टी एम एल बनाए, सब फाइल एक नेब डॉट एस टी एम एल, नेब डॉट एस टी एम एल, नेब बार बोलते हैं बस, जो होता है ना ये वाला पार्ट, जिस सेक्शन, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं नेब बार, ठीक है। नेब बार, हेडर, जो बोलना चाहो, नेब डॉट एस टी एम एल लिखो, और इसके अंदर पहले इतना नोट करो। और देखो एक चीज देख लो आपने, यहाँ पे ये डिप के नीचे ही मेरा डिप बंद हो रहा है, दिख रहा है सबको। ये कोड बहुत सही लिखने हैं आपको। ये डिप अगर मैंने यहाँ स्टार्ट किया है तो इसी के लाइन के नीचे ही देखो ये डिप बंद हो रहा है, जिससे मैं यहाँ पे आसानी से बंद कर पाता हूँ। ऐसे देखो, अगर ये मैं पीछे बंद कर दूंगा ना ऐसे, तो देखो अब देखो सही बंद नहीं हो रहा। देखो कहाँ गया डिबेंड वाला, दिख रहा है कहीं डिबेंड, दिख रहा है बाकी लोगों को डिबेंड कहाँ गया, दिख नहीं रहा कहीं मुझे। इसलिए डिब के नीचे ही डिब बंद करना है। जैसे मैंने ये डिप बनाया, इसके नीचे बंद कर दिया, ये डिप बनाया इसी के नीचे, देखो लाइन में ये बंद है। और कमेंट करना जरूरी होता है, ये कोड लिखने के तरीके होते हैं। पहले ये एसटीएमएल नोट करें सब लोग, पहले एसटी में नोट कर लो। एसटी में हो जाए बता देना। फाइल ना लेना नेव डॉट एस टी एम एल के नाम से, उसके अंदर ये डिब नोट कर लो, ये इतना कोड, और सही सही लिखना। HTML नोट कर लो तो बता देना। हो गया। अब देखो, लो ऊपर भी जिनका हो गया वो CSS में नोट कर लेना। ये इतना नोट हो जाए बता देना।
तो स्पेस आ रहा है आपके में भी थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है स्पेस। हाँ ठीक है, बाकी सबका नोट हो गया। सबके में स्पेस आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा होगा सबकी। देखो यहाँ पे देखो स्क्रीन का साइज भी कितना दे रखा है, विड्थ अपन ने कितनी कर रखी है देख रहा है ना, 100% 100% विड्थ है, फिर भी थोड़ा स्पेसिंग आ रही है, आ रही है स्पेसिंग। सबकी विड्थ 100% होगी क्योंकि सबके लैपटॉप के साइज अलग अलग होंगे, हर एक के लैपटॉप के स्क्रीन के साइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। तब भी सबके में देखो थोड़ा थोड़ा गैपिंग रहती है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन रहती है, मार्जिन पैडिंग थोड़ी थोड़ी सी सबके में दिख रही है, सबके में दिख रही है, सारे लोगों के में स्क्रीन में आ रही है ना, ठीक है। तो अब देखो ये खत्म कैसे करेंगे अपन गैप, ये है ना, ये थोड़ा लेके चलता है मार्जिन पैडिंग, ये मार्जिन थोड़ा थोड़ा लेके चलता है ये, है ना। अब ये मार्जिन खत्म कैसे करेंगे हम लोग, तो हमें क्या करना होगा, एक क्लास बनानी होगी। यहाँ पे ऊपर स्टार, स्टार का नाम सुना आपने, पढ़ा है MySQL DBMS, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, हाँ ऑल के लिए होता है ना, ऑल के लिए, हाँ ठीक है। माइक बंद कर लो, माइक। स्टार का मतलब होता है ऑल, क्या होता है स्टार का मतलब, ऑल पूरी स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन है ना जी, पूरी स्क्रीन पर मैंने क्या किया स्टार लिखा, स्टार का मतलब होता है ऑल, मैंने कहा पूरी स्क्रीन पर मार्जिन कर दो 0 चारों तरफ से और पैडिंग कर दो 0 चारों तरफ से, तो जो हमारी ये स्पेसिंग आती है ना, तो अब ये कहीं भी नहीं आएगी, पूरी पूरा अपन वेब पेज ना लेंगे, जानते हो। और नहीं तो पता क्या होगा, देखना अभी मैं इसके नीचे आता हूँ, देखो मैं इतना पार्ट इसको बंद करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ इसी के नीचे एक इमेज लगाता हूँ, इमेज एस आर सी, इमेज के अंदर आई आई एम ए जी, इमेज के अंदर 1.jpg, ठीक है। और अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, देखो ये देखो, अब देखो मैं इसकी इमेज की भी क्या कर लेता हूँ, विड्थ स्टाइल विड्थ 100% कर देता हूँ, ठीक है। देखना इमेज का भी 90% कर दिया है, देखो फिर भी देखो दिख रहा है आप लोग गैपिंग, देखो दिख रहे हो थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है, देखो दिख गया सबके में, दिख रहा स्पेस आता है थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा आप किसी की भी स्क्रीन पे चला लेना, ये सबके में थोड़ा थोड़ा मार्जिन पैडिंग लेके चलता है ये। अब ये क्या करना होगा, ये हमें खत्म करनी होगी मार्जिन पैडिंग ये, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक टैग लगाना होता है, टैग करना होता है स्टार, मतलब ऑल पूरी स्क्रीन पर मैंने कहा कि मार्जिन 0 कर दो और पैडिंग 0 कर दो, तो जिससे क्या होगा चारों तरफ की जो स्पेसिंग होगी ना थोड़ी थोड़ी आती फिनिश हो जाती है, देखो खराब हो गई, देखो सही चिपक गया, देखो कोने से बिल्कुल देखे सब लोग, नहीं टाइम पे आया करो, है ना, देखो सब लोग आओ, ठीक है रिकॉर्डिंग देख लेना, चलो समझ में आया। स्टार स्टार क्यों लगाते हैं, अगर स्टार नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, हमेशा गैपिंग आएगी। अभी आपने जितना भी काम किया होगा थोड़ी स्पेसिंग आती होगी, देखो यहाँ लगी स्पेसिंग, देखो थोड़ी थोड़ी साइड से, अब क्या होगा जब भी आप कुछ बनाओगे ना तो हमेशा इतनी स्पेसिंग लेके चलेगा, जबकि ऐसी वेबसाइट में नहीं होता है ना। अगर मैं फ्लिपकार्ट ओपन करूँ, देखो आपको कहीं दिख रहा है इसमें स्पेसिंग, कहीं नहीं दिख रहा है फ्लिपकार्ट में, देखो किसी को दिख रहा हो कहीं से स्पेसिंग, कोई वेबसाइट में दिखती है अपने में दिख रही थी, तो इनने क्या यूज किया होगा वो अपन देख लेते हैं अभी, चालू देखते हैं इन्होंने क्या लगाया जिससे इनकी स्पेसिंग दोनों साइड से खत्म हो गई। राइट क्लिक किया, स्पेक्ट किया, इसीलिए मैंने आप लोगों को स्पेक्ट एलिमेंट सिखाया कि जिससे आप स्पेक्ट एलिमेंट करके हर वेबसाइट के कोड देख सकें। देखो देखो दिख रहा है स्टार, ये मार्जिन पैडिंग 0 दिख गया,
स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों मेरी, दिख रहा होगा ना, देखो जो मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो, देखो अगर अभी मैं इनका बंद कर देता हूँ जो मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो, ठीक है अपने क्या किया जिनके सिस्टम यहाँ से बंद कर दिए, देखो अरे देखो दिख रहा है, देखो गैपिंग आ गई, देखो वेबसाइट में देखो दोनों साइड से देख पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो जी, देखो ऊपर से जैसे अपने में पहले आ रही थी, अपने में आ रही थी, देखो जी अपने में आ रही थी, ये देखो इनकी मान लगी, दिख रहा है इनके में चालू हो गई, देखो पूरी, अब देखो पूरी वेबसाइट देखो दोनों साइड से स्पेसिंग आ रही है ये थोड़ी थोड़ी, देखो पूरी में देखो नीचे तक देख लो आप लोग, देखो देखो नीचे से भी देखो, दिख गया ना। तो इन्होंने भी क्या यूज किया था दिखाया था मैंने आप लोगों को, ये तो लगाया था उन्होंने ये स्टार मार्जिन पैडिंग है ना, देखो सही हो गया, इनका भी रिफ्रेश कर दो, ये इनका सही हो जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हुआ। मार्जिन पैडिंग का स्टार स्टार मतलब ऑल, पूरी स्क्रीन पर मैंने कर दिया मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो। अब आपको इनका एक पॉइंट और दिखाता, जब अपन ने स्पेक्ट एलिमेंट कर रहे थे, देखो मैं स्पेक्ट एलिमेंट करता हूं तो आपको एक पॉइंट और दिख रहा था बॉक्स साइजिंग, देखो देखो दिख रहा है बॉक्स साइजिंग और साथ में लेके चल रहे हैं ये, है ना, ये क्या होता है बॉक्स साइजिंग और समझते हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट तो क्लियर हो गया कि स्टार क्यों लगाते हैं, है ना, मार्जिन पैडिंग क्यों जरूरी किया अपन ने। अब देखते हैं कि ये बॉक्स साइजिंग का क्या रोल है, तो ये बॉक्स साइजिंग यहां दिख रहा है, ये बॉक्स साइजिंग लिखा है बॉर्डर बॉक्स, इसका क्या रोल है। अगर मैं इनको इसका बंद कर देता हूं इनका ये बॉक्स साइजिंग, तो देखें क्या होता है, ये पंख अरे तो अभी तो इतनी से क्या रामायण दिख रहे थे क्या, अभी तीसरे ने क्या दिखाया था तुम्हें स्क्रीन पर, अभी ज्वाइन किया ना इसीलिए तो वीडियो की रिकॉर्डिंग देखना आराम से। चलो अब देखो मैंने इनका ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो वेबसाइट देख रहे हैं कैसे हो गई, देखो देखो चेंज हो गई इनकी, देखो दिख गया वेबसाइट देखो टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई इनकी, देखो दिख गया, देखो नीचे स्क्रॉल आ गया बॉटम में, बॉटम में नीचे स्क्रॉल आ गया और वेबसाइट फ्लिपकार्ट की डिजाइन ही चेंज हो गई, देखो ये सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, देखो क्या हो गया वो जाना, देखो देखो दिख रहा है। तो मतलब बॉक्स साइजिंग का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पे, लग रहा होगा ना आप लोगों को भी कि कुछ ना कुछ तो रोल होगा बॉक्स साइजिंग का। तो अपन देखते हैं कि बॉक्स साइजिंग का क्या रोल है। चलो अब देखो अपन बॉक्स साइजिंग को थोड़ा देखते हैं, इतना मैं कोड अभी सीख के नहीं, इसको थोड़ा बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए और थोड़ा बॉक्स साइजिंग समझते हैं सीखनी इच्छा की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिप बनाया, डिप के अंदर एक क्लास बनाई, डिप के अंदर एक क्लास बनाई, ठीक है, ए नाम की बी नाम की, और इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी कंटेंट ले लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, माइक बंद कर दो जिसका माइक ऑन है किसी का भी, अब देखना आप, मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया, ठीक है, किसके अंदर पी के अंदर, डॉट वी को मैं यहां कॉल कर देता हूं, ठीक है, मैं लगा दिए बॉर्डर 5 pixel सॉलिड, ठीक है, मैंने बिट सेट कर दी है ना 100 300 400 कर देता हूं 400 pixel, हाइट सेट कर दी मैंने यहाँ पे कितनी, और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर लिया, ठीक है, थोड़ा मार्जिन इतने से देखते हैं इतने से क्या, और पैडिंग थोड़ी दे देता हूँ, फिर ऐसा देख लो इतने से क्या दिख रहा है वो आपको, आपको बॉक्स दिख रहा है सब लोगों को, मैं थोड़ा मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ, इससे आपको अच्छे दिख जाएगा
अब दिख रहा होगा अच्छे से बॉक्स आपको, ये बॉक्स बना हुआ है। और अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स में थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि बॉक्स साइजिंग का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है। सब लोग अच्छे से समझना, तो मैं स्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। देखो तो अभी मैंने क्या किया, थोड़ा सब गौर से देखना पड़ेगा अच्छे से, है ना। मैंने पैडिंग को बंद कर दिया अभी, ठीक है। तो अभी आप गौर करना, जब मैं पैडिंग बढ़ाता हूँ, देखो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे इस जगह पे, देखो ये बॉर्डर दिख रहा है सबको, दिख रहा है बॉर्डर, ये यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है सबको, बॉर्डर स्टार्ट हुआ है। अब बॉर्डर को देखना, जैसे मैं पैडिंग बढ़ाऊंगा, है ना, मुझे पैडिंग बढ़ानी है, आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा थोड़ी पैडिंग बढ़ा दो, तो बताना क्या अंतर आ रहा है पैडिंग बढ़ाने से। मैंने बढ़ाई 2 पिक्सल, अंतर दिखा, बताओ क्या अंतर दिखा, बताओ। हाँ, ब्रेथ बढ़ रही है, ब्रेथ बढ़ रही है, देखो देखो ब्रेथ बढ़ रही ना, हेडिंग देने से बेस्ट बढ़ रही बढ़ रही। अब मांगे चलो, अब जो बाई डिफॉल्ट 0 था, ठीक है, अब किसी ने कहा कि थोड़ी पैडिंग दे दो चारों तरफ से, है ना, किसी ने कहा पैडिंग दे दो 5 पिक्सल 10 पिक्सल दे दो, आपने 10 पिक्सल पैडिंग दी, तो क्या हुआ देखो, अब बॉर्डर की विड्थ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जबकि मैंने बॉर्डर की विड्थ फिक्स कर रखी है 400, अब ये बढ़ गई नहीं बढ़ गई, क्यों सब लोग, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आप लोगों को मेरा कि नहीं हो रहा है। अब देखो ब्रिथ कितनी होगी, देखो देखो 430 दिखाई, ऊपर देखो आपको, ऊपर देखो आ रहा होगा डिप डॉट वी 430 × 430, है ना, दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड देखो ऊपर यहाँ पे इस जगह पे देखो। अब मैं जब कम करता हूँ तो ब्रिथ भी कम हो रही है, देखो 0 कर दूंगा तो नॉर्मल चलेगी, और जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ देखो 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 फिर से बढ़ रही साथ में। तो मतलब क्वेश्चन ये आ गया कि अगर आपने ऐसे 4 बॉक्स बनाए, 3 बनाए, और आपने कहीं बिट्स दिया बढ़ाया, तो क्या होगा, बॉक्स नीचे आ जाएगा, लास्ट वाला आएगा कि नहीं आएगा, तो सोचो सिंपल, ध्यान दो, ये आपके बॉक्स थे, एक दो ऐसे 3 बॉक्स बने थे। अब गलती से आपने पहले वाली बिर्थ बढ़ाई यहाँ की इसकी, ठीक है, इसकी बिर्थ बढ़ाई, तो जी मांगे चलो ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, और बढ़ के इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा कि देगा, और जब इसको धक्का देगा फिर जो बगल वाला बिर्थ होगा, फिर जे वाला बिर्थ भी खिसकेगा ऐसे इसके पास जाएगा, और फिर जे वाला भी खिसकेगा, फिर जे वाला कहाँ चला जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी नहीं होगी, और ऐसा तो है नहीं पैडिंग यूज ना करनी पड़ रही हो, तो वही तो काम इसमें हो रहा है फ्लिपकार्ट में। जब अपने फ्लिपकार्ट में जैसी बॉक्स साइजिंग बंद कर दी, उसी पैडिंग का खेल चालू हो गया, है ना, तो क्या हो गया, पैडिंग ने अपना खेल चालू कर दिया। देखना अब बिल्कुल सही दिख रही होगी वेबसाइट, देखो देखो सही दिख रही है, ये दोनों साइड दिख रहा है एंगल। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, स्पेक्ट करता हूँ, अब बॉक्स साइजिंग कम कर देता हूँ, बॉक्स साइज दे रखा है ना बॉर्डर बॉक्स, वो मैं भी हटा दूंगा, और आप देखना क्या अंतर आ जाएगा 3 दिन में। देखो ये बॉक्स साइजिंग है, अभी देखना अभी देखो सही चला जाए, बिल्कुल देख लो अंदर आ गया अभी थोड़ा, देखना ये बंद कर दिया बॉक्स साइजिंग, देखो ये स्क्रॉल आ गई तुरंत, देखो सब बिगड़ के, देखो देखो है चेंजेस हो गए वेबसाइट ने अपने, देखो टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, देखो वेबसाइट बनने लगी, देखो देखो ना चालू हो गया उसका पूरा सिस्टम, बिगड़ गया वेबसाइट, देखो कितना
क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो ऐसी अपने में हो रहा है, अपन क्या करें जब विड्थ पैडिंग बढ़ा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं अपन पैडिंग बढ़ाएं भी तो विड्थ ना बढ़े, हाइट बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपन सेट कर लेंगे नीचे खिसका लेंगे, विड्थ नहीं बढ़नी चाहिए। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, पैडिंग लगाने से पहले अपन लगा लेते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा लिया अपन ने, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब देखो, अब अगर मैं पैडिंग बढ़ाऊंगा, मैंने किया 5 पिक्सल, देखो अब देखो कुछ अंतर आ रहा है, देखो सब लोग देखो ऊपर देखो 400x400 दिखा रहा है, दिख रहा है कहीं विड्थ बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही, देखो देख लो वही वही है, बस बढ़ेगी क्या, ज्यादा खींचेंगे तो अपन हाइट में थोड़ा अंतर आएगा बस। हाँ बोलो बोलो, फॉन्ट साइज दे दो, ले लो तो उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स के हम काम किस पे कर रहे हैं कि बॉक्स का साइज नहीं बनना चाहिए, तो फॉन्ट साइज बढ़ा देता लो, तो फॉन्ट साइज बढ़ेगा तो फॉन्ट डिप से वही तो क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना, फॉन्ट साइज बढ़ेगा तो लुक के नीचे तो आएगा वो बाहर चला जाएगा डिप से, क्या रहेगा तो सी डिप के अंदर ही, डिप से क्या सीखा था स्टार्टिंग से हम लोग सीख रहे हैं, कंटेंट कितना भी होगा बड़ा तो रहेगा तो डिप के अंदर ही, याद है कि नहीं याद है, हाँ डिप से कहाँ जाएगा, तो कहाँ नहीं, देखो बड़ा होगा तो नीचे आ जाएगा, देखो तो बाहर नहीं जाएगा, डिप से ही तो सीखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जब सी कॉमर्स ना आया डिप में, तो ये बात क्लियर हुई बॉक्स साइजिंग, या तो ओवरफ्लो लगा दो, स्कोर लगा दो, स्कोर लगा दो, है ना, वो कर लेंगे अपन चीजें। पॉइंट क्या समझाना था यहाँ पे कि बॉर्डर बढ़ाने से, पैडिंग बढ़ाने से क्या हो रहा है, विड्थ बढ़ रही थी, बॉर्डर का साइज बढ़ रहा था, वो नहीं बढ़ना चाहिए था। तो वो कहानी समझ में आ गई आप लोगों को, क्या अभी नहीं क्लियर हुई कहानी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स हेड दे दियो ना, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, नोट करो, नोट करें यहां से इमेज से, स्टार्टिंग से हमारे पॉइंट क्या थे याद है, आपने पहले दिन क्या बोला था किस्सा, हम लोग वेब डिजाइनिंग से वेब पेज बनाना सीखने आए हैं हम लोग, याद है आप लोगों को, आपने कहा था कि सर हमें वेब पेज बनाना सीखना है, आपने ये नहीं कहा सर मैं थ्योरी पढ़ा देना, अगर मैं थ्योरी पढ़ाता तो ये चीजें कुछ नहीं कराता, क्योंकि वेब पेज तो सी बनेंगे, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी आपकी, डिप क्या होता है, डिप से क्यों हुआ, ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, तब तक वेब पेज नहीं बन पाएंगे, मकान तभी बनेगा जब नींव खुदेगी, नींव भरी जाएगी, पिलर खड़े होंगे, फिर दीवार खड़ी होगी, फिर लैंड डलेगा, प्रोसेस यही चलेगी, नोट कर लें इतना अली सब लोग, बाकी तो नोट होगा ही, इतना नोट करना है डिप वाला पार्ट, ये तो मार्जिन क्लियर हो गया, पैडिंग समझ में आया, क्यों सीखा आपने स्टार्टिंग से, नोट कर लें तो बता दें, डिंपल आवाज आ रही है आपको,
डिंपल है वे इसमें। हाँ, टास्क बनाया आपने, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, डिब से कुछ बनाया भेजा ग्रुप में। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे आईटीएम के बच्चे कौन है, फिफ्थ सेम वाले हैं, फिफ्थ सेम के कोई पढ़ते हैं सीएस ब्रांच के, फिफ्थ सेम के हैं कोई आईटीएम, फिफ्थ सेम सीएस, क्या नाम है प्रिंस, और कोई, और कोई इनके अलावा, और कोई आईटीएम फिफ्थ सेम, इसके अलावा कोई और भी कोई आईटीएम का, बाकी और भी कोई आईटीएम कॉलेज का बैच बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं बैच में, एक आप लोग एमसीए किए हो, सेमेस्टर कौन सा है, ठीक है, और कोई, एक दो तीन, इनके अलावा तीन बच्चे ही आईटीएम कॉलेज के, बाकी किस कॉलेज के, अदर कॉलेज के हैं सारे, एमसीए के, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया, बाकी यही पार्ट तो नोट करना था, अकेला डिप वाला वाला सेक्शन अकेला, ये इसका सीएसएस, सीएसएस लिखना था इतना बस, और तो कुछ ज्यादा करना नहीं, नोट कर लिए सबने नोट। तो अपना इतने पॉइंट क्लियर हो गए, ये क्यों लगाए हमने सारे, क्लियर है सबको, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज देखो, ऊपर ही आते हैं, तो अब मुझे क्या करना है, ये हेलो को बीच में लेके आना है और इस साइड कुछ और लेके आना है, ठीक है, तो उस पर काम करते हैं। तो मैं इस सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ, तो ये पार्ट है लोगो का, मैंने किसी को लिख दिया, ठीक है, लिख दिया पीएनएन फोर्सेस इसके अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ सिंपल, अगर लिखूँ डॉट सेव करूँ और सीधा सीधा यहाँ पे आ जाऊँ, देखो दिख रहा हो, ये दिख रहा है पीएन फोर्सेस, तो पहले ये बीच में लेके आना है ना, जो इसका क्वेश्चन है, तो राइट क्लिक किया, एस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो बने ऐसे तीन काम कर लेते हैं, मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ, तो मैं दो दिखा दूँ। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको खिसका दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर आ गया, तो दिख रहा है मैंने किस पे क्लास लगाई, डिप पे क्लास लगाई है, डिप की लिखा ना, डिप क्लास लोगो, सब लोग डिप क्लास लोगो बनाया था ना हमने, इस पे क्या कर दिया, सेंटर लगा दिया, कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है, फॉन्ट साइज और बड़ा करना है बड़ा कर लो जो तो मन करे, ठीक है। अब तुमने इसको बीचों बीच में रखना है, इसको बीचों बीच में लेके आना है, सब लोग देखो मैं चाहता हूँ ये पूरा बीच बीच में आ जाए, देखो ऊपर ऊपर ज्यादा, ऊपर कम गैपिंग है नीचे ज्यादा गैप, बीच बीच में आए, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं लाइन हाइट, क्या यूज करते हैं, एक लाइन हाइट होता है, मैं लिखा लाइन हाइट 20 पिक्सल, देखो जितना बीच में लेके आना चाहते हो जाना, देखो बीच में आ गया, बीच बीच में ऊपर नीचे जो भी करना चाहते हो आप इससे कर सकते हो लाइन हाइट से, ठीक है, तो ये बन गया। और आप इसमें आप फॉन्ट फैमिली देना चाहते हो तो अपन फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली जो भी आप देना चाहो, कर्सिव वर्सिव जो भी देना। और इसके बाद टैक्स ऐडो, टैक्स ऐडो सिखाया था आप लोगों को, टैक्स ऐडो, हाँ देखो देखो, अब मैं इसके भी सेडो दे रहा हूँ, देखो 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 सेड दे रहा हूँ, देखो मैंने किया 5 पिक्सल, 3 पिक्सल,
टू पिक्सल और रेड दे दिया, देखो दिख रहा है शैडो पीछे। अब देखो समझो फाइव पिक्सल कैसे काम कर रहा होगा, ये फाइव पिक्सल कैसे काम कर रहा है, देखो दिख रहा है लेफ्ट से राइट चल रहा है, देखो ये चल रहा है, देखो ठीक गया, फाइव पिक्सल लेफ्ट से राइट चलता है ना, तो मैं फाइव पिक्सल कर देता हूँ लेफ्ट से राइट। अब ये थ्री पिक्सल कहाँ से चल रहा होगा, समझो अपने आप आ गया होगा, टॉप टू बॉटम चलेगा है ठीक है। और ये थ्री पिक्सल क्या करेगा, शेडो कम ज्यादा करेगा, देखो ना? और ये कम ज्यादा करेगा, डार्क कर देखो, अरे डार्क ज्यादा कर दो हल्का हो जाएगा शेडो, देखो देखो कम रखोगे तो दिखेगा ज्यादा, बाकी ये कलर देता है, ये जो कलर आप रखना चाहो, जो कलर दिखाना चाहो ठीक है। समझ आया शेडो, अब लाइन हेड में टेक्स्ट में चेंज नहीं होते, लाइन हेड से ऊपर नीचे आते हैं, देखो मैं लाइन हेड बंद कर दूं तो ये कहाँ पहुँच गया, टेक्स्ट ऊपर है, मैं इसको थोड़ा बीच बीच में लाना चाह रहा था, तो अपने क्या यूज़ किया लाइन हेड, लाइन हेड से ऊपर नीचे खिसका सकते हो एक साथ, देखो इतना कोड क्लियर है, तो इतने को मैं कॉपी कर लूँ पहले इतना पार्ट, माइक बंद कर लो। तो अब देखो मैं क्या, हाँ कहीं भी लगा लो, देखो अब मैं लिखता हूँ कोड, लिखूँ डॉट लोगो, ये पेस्ट कर दिया, इतना ये पार्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस साइड कुछ लगाना है, इमेज इमेज है, तो मैं इस पे आता हूँ, तो जिस सेक्शन पे काम कर लिया मैंने, अब मैं इस पे आता हूँ इस इमेज ऊपर, तो मैं इसके अंदर लेता हूँ आई एम जी के अंदर इमेज, और ये मेरे पास छोटी सी इमेज है तो जी एम डॉट पी एन जी। तो अब देखो जी इमेज मेरी कहाँ दिख रही है, अभी आई नहीं, क्या क्या नाम है इमेज का, आई एम ए जी ई एम डॉट पी एन जी, मैंने कहीं तो आई होगी, कहाँ चली गई भाई, आई कि नहीं आई है इमेज, है कि नहीं आ रही, ट्रांसपेरेंट इमेज है, मैं बड़ी इमेज आगे चेक करता हूँ पहले, तो वन डॉट जेपीजी, पहले इस पहले कोड को बंद करना पड़ेगा, तो कहीं दिखेगी जाकर मुझे इमेज को, देखो ये ना जा रही है, दिख रही है इमेज मेरी जा रही। तो अपना मैं क्या करता हूँ, पहले अपनी लगाता हूँ एम वाली ई एन जी, ठीक है अब नीचे वाला थोड़ा देर के लिए बंद कर देता हूँ, क्योंकि तो तरीका क्या कहता है, हमेशा तरीका ये कहता है कि सबसे पहले जो हेडर वाला काम कंप्लीट कर लो, क्या रखना हमेशा, पहले हेडर वाला नेप वाला पार्ट कंप्लीट कर लें तो नीचे आते हैं। तो ये इमेज आ रही है, इस इमेज को मुझे यहाँ लेके आना है इस साइड, ठीक है, तो राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो इस पे जुड़ी में राइट वाला इस पे लगाता हूँ क्लास फ्लोट, राइट कर देता हूँ, राइट में आगे देखो क्या यूज किया मैंने, डिप के अंदर एक क्लास में आई थी राइट नाम की, फ्लोट राइट। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी इसकी विड्थ कम कर लेता हूँ इसकी इमेज की, इमेज थोड़ी बड़ी है ना, तो मैं इसकी हाइट कम करने 20% हाइट कम कर देता हूँ इसकी, मैं गलत लगा रहा हूँ ना, उसमें लगाना मुझे, मतलब क्यों कम नहीं हो जानते हो हाइट इमेज की, क्योंकि तो मैं डिप के राइट पे इमेज की हाइट कम कर रहा था, तो पहले मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, पहले मार्जिन टॉप से ऊपर ले लेता हूँ उसको, तो माइनस के 20 पिक्सल ऊपर ले लिया मैंने इसको,
है जी, ऊपर ले लिया मैंने इसको। फिर दोनों क्लास में कॉपी कर लेता हूँ और कहाँ लगा लेता हूँ, यहाँ पे .RIGST राइट के अंदर ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इमेज की थोड़ी हाइट कम करनी है, क्या कम करनी है, इमेज की बिट हाइट कम करनी थी। देखो जितना सेट हो गया, तो इमेज की बिट हाइट कम करनी है तो मुझे किस पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे अब राइट के ना इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा है ना। स्पेक्ट एलिमेंट अच्छे से आना चाहिए, मैं कई बार कह रहा हूँ आप लोगों से, उसके बिना वेबसाइट नहीं बना पाओगे आप लोग। ठीक है, जितनी रखनी छोटी, ठीक है मैंने इतनी छोटी रख ली, ठीक है कितनी कर ली बिट, 25% कर ली। तो अब यहां पे आते हैं, इसके बाद अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूं। तो आप देखा मैंने यहां पे इमेज की विड्थ कम कर ली, दिख रहा है सबको ना, तो बोलो। तो अब इमेज की मुझे क्लास लगानी होगी, तो मैं ऐसे लगा सकता हूं क्या, देखो मैंने यहां पे लिखा .RIGST राइट के अंदर IMG दिया मैंने, विड्थ दिया मैंने 25%, ये कर सकता हूं क्या मैं ऐसे। रिफ्रेश किया मैंने, देखो देखो इमेज आ दिख रही है मुझे। तो मुझे बताओ ये चीज दिखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं तो मुझे क्या करना होता, नहीं तो मुझे क्या करना होता, यहां पे जाना पड़ता, क्लास लगानी पड़ती IMG नाम की, देख लो आप लोग। और फिर मैं ये करता यहां पे आके .IMG देता ब्रेड 25% ऐसे, ठीक है, या तो जी देता, समझ में आ रहा। तो इससे अच्छा मैंने कहा यार, जब मैं काम जब मेरा डिप जो है, डिप का जो डिप है राइट ना, ये क्लास राइट वाली दो हमने कहा नहीं है, कहां पे, यहां पे कि ऊपर, ये यहां पे ये दो देखो, ये हटा दी मैंने। अब ये कोई दिक्कत, अभी कोई दिक्कत है, इतने लो इतने कर दी। तो ये अब इमेज बड़ी हो गई, जी आपने इमेज तो बस सेट कर दी, अब इमेज की विड्थ कम करोगे, हाँ ना बोलो कैसे कम करोगे, बता चलो इमेज की विड्थ कैसे कम करोगे आप, यहाँ इमेज पे क्लिक करोगे राइट के अंदर डिप बनी, जो डिप बनी है राइट नाम की, इसी के अंदर तो इमेज है, बताओ दिख रहा है ना आपको। हाँ तो बोला करो, आपने क्वेश्चन पूछा है तो जो राइट नाम की जो डिब है इसी के अंदर तो इमेज है जी। तो मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसकी विड्थ कम करता हूँ, मैंने कर दिया 20%, ठीक है जी, कम कर दी मैंने इमेज की विड्थ, है ना। तो अब मुझे बताओ, अब मैं ये कोड कहाँ लगाऊंगा, या तो मैं ऐसे जाकर लगा दूँ सिंपल, यहाँ पे जाके लिखूँ इसके अंदर जो बनाई, इसके अंदर मैं बनाऊँ क्लास और उस क्लास को मैं यहाँ पे लगाऊँ .IMG, पूरे ब्रिथ का कम नहीं होगा देवता, पूरे ब्रिथ का क्यों कम होगा, क्यों कम होगा, लो अभी भी मैं ऐसे लगा दिया, लो चलो तो कुछ फर्क पड़ा, कह लो चल रहा है ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों, मैं अब एक तरीका मैं ये लगा रहा था, अब मुझे बताओ कि जो जो .IMG नाम की जी क्लास है किसके अंदर है तो राइट डिप के अंदर ही, क्यों सब लोग, आप मैं आपके घर पे आया, मैंने आपसे कहा यार मुझे आपके घर पर टीवी देखनी है, मैंने आपसे कहा कि मुझे आपके घर पर टीवी देखनी है, आप कहोगे सर बगल वाले हॉल में चले जाओ और वहां पे टीवी लगी है, वहीं पे बगल में रिमोट रखा है, ये तो मुझसे बोलोगे। तो आप मुझे पहले कहाँ भेज रहे हो, पहले आप हॉल में तो भेज रहे हो मुझे, हॉल के अंदर तो टीवी है, अच्छा आपने ये तो कहा नहीं कि सर जाओ टीवी ढूंढ लेना कहीं भी कमरे में, ढूंढ लो जाके टीवी आप कहीं भी लगी होगी। अब मैं कितने आपके घर में कमरे हैं 100, अब मैं 100 में जाकर टीवी ढूंढ रहा हूँ, और आपने मुझसे बोल दिया कि सर ये हॉल है ना बगल वाला, इसके अंदर टीवी लगी है, आप जाके ढूंढ लो। तो मैंने यहाँ ये तो लिखा सिंपल कि भाई राइट के अंदर जाओ। अब मान के चलो आपने तो ऐसे कर लिया, ये भी कर सकते हो। अब एक दूसरा बंदा डेवलपर आया, उससे क्लाइंट ने कहा कि यार इमेज की थोड़ी बिर्थ बढ़ा दो, समझना।
अब वो क्या करेगा, सबसे पहले स्पेक्ट एलिमेंट करेगा, दूसरा बंदा स्पेक्ट करेगा और ऐसे देख लेगा, अच्छा राइट के अंदर ये इमेज लगी हुई है, ऐसे देख लेगा। तो वो सीधे जाकर कहाँ ढूंढेगा, यहाँ पे जाकर ढूंढेगा। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऐसे डॉट आर आई जी एस टी ऐसे राइट के अंदर, और अगर सिंपल ऐसे भी चल जाएगा, देखो ऐसे भी चल सकता है, देखो ऐसे भी चल जाएगा, चल रहा है। इससे क्या हो गया, इसको पाथ में एक रास्ता मिल गया कि भाई राइट के अंदर वाली क्लास कॉल हो रही है, ठीक है। और नहीं तो क्लास ही लगाना चाहते हो, सिंपल सिंपल टैग लगा दो, है ना, क्लास नहीं कॉल करना है, सिंपल ऐसे लिख दो। अब जी आई एम जी किसके अंदर काम करेगा, अकेला बिट 28 पिक्सल परसेंट, जानते हो, इस राइट डिप के अंदर ही तो काम करेगा, है ना। अगर मैं यही वाली इमेज उठा के अगर यहाँ लगा दूँ बाहर, इस पर थ्रू काम करेगा वो, देखो नहीं काम कर रहा है इस बारे पे, कहीं नहीं कर रहा ना, है ना, नहीं कर रहा ना। और अगर मैं क्लास लगा लेता सेम दोनों पे, क्लास आई एम जी और इस पर लगा लेता क्लास आई एम जी, और फिर यहाँ पे लगा दूँ डॉट डॉट और ये हटा देता हूँ, अब क्या होगा, दोनों पे काम करेगा, देखो दोनों पे काम करेगा फिर, तो समझा नहीं आ रहा। तो सारी चीजें होती हैं, तरीका है लिखने का, कुछ नहीं है लिखने का, सिर्फ तरीका है बस वो, आप बैठ लिखना चाहो वैसे लिख लो, ये एक थोड़ा समझने के लिए रहता है कि चलो भाई राइट के अंदर तो इमेज बनी हुई है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, देखो देखो आपको मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों दो इमेज में रखनी थी, दो इमेज रखनी थी मुझे यहाँ पर, ये दो इमेज है। अब क्योंकि अब दो इमेज मैं क्या करता, फिर दोनों में क्लास लगाता, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको मेरे, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है, क्योंकि देखो सिंपल है राइट के, हाँ हाँ तो बोले हो? हाँ तो अब जैसे मैंने इमेज इमेज के अंदर मैंने पी ले लिया, ठीक है। अब मैं जी मांगे चलो इस पी पे कुछ काम करना है, ये पी है, अब मैंने इस पी पे दे दिया, मांगे चलो कलर कर दिया मैंने रेड, ठीक है, और फॉन्ट साइज कर दिया मैंने 30 पिक्सल, ठीक है, ये कर दिया। तो अब मैं ये कोड कॉपी करूँगा, अब मैं सीधे सीधे क्या करूँगा, ये लिख दूंगा जाके डॉट राइट के अंदर जाओ कि पी सीधे सीधा और पेस्ट कर दिया, है ना। तो सामने वाले को दिक्कत नहीं होगी ना ढूंढने में चीजें, हमारे लिए भी कोड इजी हो गया, हाँ क्योंकि वो ये ना जी कमरा बना हुआ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं आपके घर जाऊंगा आप मुझसे ये तो कहोगे कि सर हॉल में जाओ, ये तो कहोगे सर हॉल में जाके टीवी लगी है, आप ये तो कहोगे नहीं कि सर कि पूरे घूम जाके, तो फिर तो वो अलग, फिर तो वो अलग अलग करना, वो तो अलग अलग काम करने पड़ेंगे, वो तो फिर अलग अलग चीज होगी ना। हाँ जी, हमने ऐसा काम क्यों किया, हाँ बोलो बोलो, बस सिंपल है। तो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको खुद समझ में आता जाएगा अपने आप, ठीक है। आप जब काम करोगे ना धीमे धीमे, तो आपको खुद चीज समझ में आती जाएंगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपको खुद लगेगा नहीं आज ये तरीका सही है, ठीक है। वो धीमे धीमे देखो, मैं मेरा क्वेश्चन शुरू से ही चलता आ रहा है, शुरू से ही क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि आपने पहले दिन मुझसे यही कहा था कि सर हमें वेब पेज बनाने सीखने हैं, याद है। और मैंने आपसे कहा था कि हम वेब पेज बनाने ही सीखेंगे, हम वो कोचिंग वाला सिस्टम नहीं चलाते अभी तक, तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि मुझे आपको क्या सिखाना है, कार बनाना सिखाना है पूरी, आप कई सारी कार बना सकें, ना कि कार का अकेला टायर बनाना सिखाना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा, मैं चाहता हूँ कि आप एक नहीं कई सारी वेबसाइट बना सकें। सिंपल है, जब मकान बनता है तो मकान की नींव पे सबसे ज्यादा फोकस होता है कि नहीं होता है, देखा होगा आपने, नींव पे पिलर पे क्यों इतना फोकस करते हैं, क्योंकि अगर नींव और पिलर सही नहीं हुए तो मकान एक मंजिल क्या दूसरे मंजिल बनी नहीं पाएगा, उस पर गिर जाएगा मकान। अगर पिलर सही नहीं गड़े, ज्यादा गड्ढे नहीं गड़े, माल सही नहीं भरा गया, मजबूती नहीं दी गई पिलर में नींव में, तो आप 2-3 मंजिल जब खड़ा करोगे मकान तो मकान गिर जाएगा आपका। तो मैं वही तो आपके साथ कर रहा हूँ कि आपकी पहले जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आपकी लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ कि हम चीजें क्यों कर रहे हैं,
और आपको दिखाता भी हूँ, आल फ्लिपकार्ट ले जाके देखो, इनने भी किया भाई, इनने भी किया, देखो समझ आ रहा है, इसलिए इतना डिटेल में समझाना पड़ता है। हाँ बता दो। ठीक ठीक है। हाँ हाँ बीच में, इनके बीच में स्पेस ही नहीं आ रही है। जैसे जैसे देखो, जैसे आप देखो, हाँ जैसे देखो, देखो अपने में देखो, ये दोनों मेज की स्पेस ही नहीं है ना, दिख रहा है सब लोगों को, इन दोनों के बीच में कहीं स्पेस दिख रही है आप लोगों को? तो एक तरीका क्या कहता है स्पेसिंग देने के लिए, कहाँ गया, मैं आता हूँ, देखो कहाँ गया ये डिव, ये इमेज वाला डिव, ये खोला मैंने, सब देखे यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्लास लगाई मार्जिन 0 और 10 पिक्सल, इस पर नहीं आएगा, कहाँ गया, पैडिंग 0 और 2 पिक्सल, इसमें तो मुझे सब सच बताता हूँ। इमेज के लिए, इमेज में ऐसे स्पेसिंग देनी है ना, तो आप इनके बीच में लगा लो @ NVSP, ये देखना स्पेस आया। एक और देना है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि अभी कोड अपना सही नहीं लिखे, इसलिए देखो दिख रहा है स्पेसिंग, दो चीज के बीच में अगर स्पेसिंग करनी है ना, किससे नहीं तो उससे नीचे आ जाएगा ना। क्वेश्चन क्या था, हमें इनकी इमेजों के बीच में थोड़ी स्पेसिंग करनी थी, दो इमेजों के बीच में, दो इमेज हो, दो कंटेंट हो, उनके बीच में स्पेसिंग करनी है। जैसे जैसे लिखा है पीएन, अगर इसके बीच में मैं इसको डाल दूं, दोनों को भी ये डाल दिया मैंने, देखना अभी दोनों में स्पेस आ जाएगा, आ गया स्पेस, देखो दिख रहा है, क्या यूज करते हैं हम लोग, @NVSP। तो ये लगाना पड़ेगा @NVSP, और फिर एक तरीका होता है, मार्जिन लगाते हैं टिप के अंदर अच्छे से। अब देखो, अब इसमें देखो जो मेरा पॉइंट समझाने का है, शुरू से पहली क्लास से समझा रहा था, पहले बच्चे आ गए होंगे, टाइम हो गया, ज्वाइन कर लो। हाँ तो क्वेश्चन ये था जो मैं समझा रहा हूँ, तो आपको इसमें कुछ ऐसा ही लग रहा है कि हमें कुछ ज्यादा ही मार्जिन पैडिंग फ्लोट लेफ्ट लगाने पड़ रहे हैं, लग रहा है? अभी तो चलो ये दो थे क्वेश्चन, समझना जो अगली क्लास का टॉपिक है। अगर अभी मैं यहाँ पे एक लोगो अलग आना चाहूँ, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन एक डेवर बनाएंगे ऐसी, है ना, ये कॉपी करता हूँ। एक और मुझे एक स्टार्टिंग में मैंने कहा मुझे लोगो बन चाहिए, ठीक है, ये लोगो बन स्टार्टिंग पर यहाँ पे इस जगह, फिर अपन इसको सेट करेंगे, देखो बिगड़ गए तीनों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? नहीं चलो मैं स्पेसिंग स्पेस बता देता हूँ, ये मैं सोडा दिया। अब मुझे एक रो में होता नहीं है, देखा होगा आपने, एक रो में आपने देखा होगा, सुनो 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 जल्दी से, एक रो में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगो भी रहता है, बीच में मीनू रहते हैं, यहाँ पे आइकन रहते हैं, देखा नहीं बार ऐसा वेबसाइट में? अब सोचो जब, अब देखो अपन ये लगा दिया तो ये कोड सब टेढ़ी-मेढ़ हो गए, सब लोग क्वेश्चन समझ लो, टेढ़ी-मेढ़ हो गए। और अब मुझे क्या करना है, थोड़ा इसको खिसकाना पड़ेगा, फिर सेटिंग करनी पड़ेगी, बहुत तामझाम करना पड़ेगा सही करने के लिए, इसने कोई आया ना, सब लोग कर, है ना, आप लोग क्या करना, ये तीन दिख रहे हैं, तीन ये तीन ये तीन, इसको आप लोग सेट करके लेके आओगे घर से, क्या करोगे आप लोग घर से, ये तीनों को आप घर से सेट करके लेके आओगे। और क्या होना चाहिए, यहां से थोड़ी स्पेसिंग रहनी चाहिए, कैसा सेट होगा देख लो, ये माइक थोड़ा बंद कर दो, देखो नहीं देखो तो, देखो तो ये एक लोगो,
अबाउट, और मैं बता देता हूँ ये काम करना है आपको घर से, और यहाँ पे कोई इमेज या कुछ भी इमेज या कंटेंट जो आपको लिखना हो यहाँ पे लिख देना लॉग इन बटन एक, ठीक है, ये काम करना है आपको, क्लियर। दोनों साइड थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग रहनी चाहिए, ठीक है, ये लोगो लगा लेना, बीच में होम अबाउट ऐसे कुछ लिख देना और यहाँ पे कुछ लिख देना। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कुछ भी सिंपल ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल पी लगा लेना, एच लगा लेना। मेरा क्वेश्चन क्या है कि लेफ्ट में लोगो, बीच में ये होम अबाउट कुछ भी लिख देना, एच वन एच टू में किसी में भी, और इस साइड लोगो, ऐसा करना है। जब ये काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखने को, पता है आपको मिलेगा यार बहुत सारी सी एस एस लगानी पड़ रही है। क्वेश्चन ये मेरा, हमें अभी देखो ना, अभी जब हमने काम किया तो कितना कुछ करना पड़ा, फ्लोट लाइट मार्जिन टॉप पॉप बहुत ताम झाम करने पड़ रहे हैं, तो जितो कहला नई बार भी काम करना पड़ रहा है। अगर ऐसे वेब पेज बनाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ में, क्वेश्चन समझना। हाँ, तो उसी का सॉल्यूशन है जो इतने दिन से मैं बोलता आ रहा हूं, क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं, सबका ब्रह्मास्त्र ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जो अब थर्सडे को क्लास होगी, जिस बंदे ने छोड़ दी वो बैच ही छोड़ देगा अपने आप, खुद ही देख लेना। जिस बंदे ने थर्सडे की और सैटरडे की क्लास मिस कर दी फ्लेक्स प्रॉपर्टी की, उसका खेल हो जाएगा। वो मैं कुरूपे दे दूंगा कुर्जे। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने आपको पहले अटैक कर दिया आज ही, थर्सडे की और सैटरडे की जिस बंदे ने क्लास मिस कर दी खेल हो जाएगा अपने आप ही। इतना जो दो तीन दिन से जो समझा रहा हूँ ना, इतने दिन से अपन समझा रहे थे, इसके लिए समझा रहा था, फ्लेक्स के लिए ही।